नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो एक सवाल के ऊपर है। एक सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सर पुलिस वाला मुझे बिना वजह मार रहा है तो क्या भी मैं भी उसके साथ मार पिटाई कर सकता हूं या नहीं। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखिए दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि एक जब पुलिस वाला अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है यानी अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस समय एक परिस्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर आपको समझाऊं कि पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हुआ है, उसके पास आपका गिरफ्तारी वारंट है और ऐसी परिस्थिति में आप पुलिस वाले पर भड़क जाते हैं या उसको आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उसके आपके साथ मारपिटाई शुरू कर देता है, आप उसको गाली गलौज करते हैं, अदर्भ व्यवहार उसके साथ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके साथ मारपिटाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 353 और 332 IPC के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन ऐसी उत्पन्न होती है कि क्या आप कहीं पे जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में पुलिस वाला आपको रुकवा लेता है और आपसे किसी तरह की लीगल डिमांड करता है और आप डिमांड को पूरा करने से जब मना करते हैं तो वह आपके ऊपर भड़क जाता है और ऐसी परिस्थिति में आपके साथ गाली गलौज शुरू कर देता है, मारपिटाई शुरू कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप भी उसके साथ मारपिटाई कर सकते हैं या नहीं, यह है आपका सवाल। तो देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर इसमें भी आप प्राइवेट डिफेंस सवाल का मुख्य कारण भी यही है कि क्या प्राइवेट डिफेंस जो हमें मिला हुआ है हमारे इंडियन पेनल कोड में, क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके यूज़ करने के थ्रू या उनके आधार पर हम पुलिस वाले के साथ मारपिटाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने अगर आपके साथ मारपिटाई शुरू कर दी है तो ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान दें, आपने किसी भी तरह की मारपिटाई नहीं करनी है। मैंने अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि पुलिस वाला मारे तो आप क्या कर सकते हैं, किसके प्रकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको पिटना है, अगर आपके साथ मारपिटाई वह कर रहा है तो आप उसको करने दें, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें ताकि आप उसको आगे एक्शन ले सकें। वो वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ऐसी परिस्थिति में आप मारपिटाई नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। अगर देखिए, ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किन परिस्थिति में पुलिस वाले के साथ मारपिटाई कर सकते हैं, तो देखिए, अगर वह आपको गंभीर चोट पहुँचाता है, अति गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर उसने आपको चोट पहुँचाई है, उदाहरण के लिए आपका हाथ काट दिया है, आपकी आँख फोड़ दी गई है या आपकी हड्डी को अलग कर दिया गया है, किसी जॉइंट को अलग कर दिया गया है, ऐसी परिस्थिति कर दी है, या फिर आपको उसने जान से मारने की कोशिश की, या ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि आपको जान से मार ही देगा अगर आपने हमला नहीं किया या आपने अपना बचाव नहीं किया, या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह आप पर गोली चलाने ही वाला है अगर आपने अपना बचाव नहीं किया, बचाव में आपने हमला नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में ही आप उस पर हमला कर सकते हैं, आप उसके साथ मारपिटाई कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं कंडीशन पे आप 96 से 100 IPC में पूरा डिटेल में लिखा गया है, लेकिन सिर्फ ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आपने हमला नहीं किया तो आपकी जान जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में ही मारपिटाई आप कर सकते हैं पुलिस वाले के साथ। अगर आप बिना वजह आपके साथ मारपिटाई वह कर रहा है या सिंपली आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या एक दो थप्पड़ आपको लगा दिए हैं उसने, तो ऐसी परिस्थिति में आप पिटाई ना करें, वो आपके खिलाफ़ जाएगी, आपके खिलाफ़ वह FIR दर्ज करा देगा क्योंकि आपने उसके कार्य में बाधा डाली है, चाहे उसने गलत ही क्यों ना किया हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपने वार नहीं करना है, आप वार नहीं कर सकते हैं, उसकी पिटाई आप नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें और वीडियो में जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वह अपनी जब वह ड्यूटी पे है, वर्दी में है, तो वह अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है, आप उसमें बाधा नहीं डाल सकते। अगर आप बाधा डालते हैं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।